हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज TTML के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सारी वीडियोज़ की। तो दोस्तों, यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के अंदर लगातार हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? अब क्वेश्चन उठता है कि कंपनी के पास इतना सारा डेट है, इतना कर्जा है और इतना लॉस बुक करने वाली कंपनी, इसके बावजूद भी इसमें इतना ज़्यादा इसके प्राइस में हमें ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है हर किसी के दिमाग में जो इसको देख रहा है। तो मैं आप लोगों से इसी के ऊपर बातचीत करूंगा। लेकिन देखिए, फ्राइडे को क्या हुआ, एक बार जल्दी से क्विकली मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, फ्राइडे को 49.10 के ओपन की ओपन प्राइस है, जो कि 4.91% का अपर सर्किट लगा है। और वहां पे होते हुए भी इन्होंने इस कंपनी ने 484,364 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया। 74 पॉइंट की डिलीवरी है, 74% की NSE के ऊपर। और BSE के ऊपर देखें तो 19,71,879 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पर डिलीवरी है 100%। और यहाँ अगर आप देखें तो 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है BSE के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि 4.93% का अपर सर्किट है। इस कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है बढ़कर के 9,774.64 करोड़ रुपये, और 52 वीक हाई है 50 रुपीज़ का, लो है 2.74 का। आप देख सकते हैं एवरी डे इट इज़ मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। देखिए, यहाँ पे क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी को आप देख सकते हैं यहाँ पे 288.29 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, जबकि इससे पहले आप लास्ट के कई क्वार्टर्स में देखें तो इनको लगातार लॉस हुआ है। सितंबर 2019 में इनको ह्यूज लॉस हुआ था 2,334.45 करोड़ का, जबकि इससे पहले एक बार मार्च 2019 का क्वार्टर आया था जिसमें इनको 579.55 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद और उसके पहले लगातार लॉस बुक करने वाली कंपनी। रिवेन्यू की बात करें तो इनको मार्च क्वार्टर के अंदर 265.29 करोड़ का नेट बेसिस पे रिवेन्यू निकल के आता है। तो देख सकते हैं इतना ह्यूज लॉस, इसके बावजूद ग्रोथ क्यों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड को लेकर के टाटा सन्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस कंपनी को रिवाइव कराने के लिए। और टाटा सन्स की ये चाहत, टाटा सन्स का ये जो जोश है इस कंपनी को वापस खड़ा कर देने के लिए, ये जोश ही काफ़ी है इस कंपनी की ग्रोथ को करने के लिए। देखिए, कंपनी का प्रमोटर अगर ये चाह दे कि कंपनी को हमें उठाना है, तो डेफिनेटली वो कंपनी धीरे धीरे ही सही लेकिन उठना शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। टाटा टेली सर्विसेज के डेट की अगर हम बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कंपनी के पास टोटल डेट था 17,774.47 करोड़ रुपए का, देख सकते हैं। इसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उछाल दिखाई है अपने स्टॉक प्राइस के अंदर, राइट। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज ने मात्र 8 महीने के अंदर इन्होंने 1500%, जी हाँ, 1500% की ग्रोथ मात्र 8 मंथ के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड को लेकर के टाटा सन जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के टारगेट के लिए ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है स्मार्ट फ्लो, और जो कि एक क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होगा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को टारगेट करेगा, और ये बिल्कुल ही एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए ओरिएंटेड है।
राइट। और ये एक हाइब्रिड वर्क कल्चर डेवलप करेगा और जो लोगों को घर से बैठे बैठे काम करने में या उनकी जो अपनी लोकेशन है जो कि रिमोट लोकेशन हो सकती है वहाँ से वो आराम से काम कर सकते हैं। स्मार्ट फ्लो को कोई भी कस्टमर अपने स्मार्टफोन से या अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप से कंप्यूटर से जिससे चाहे उससे एक्सेस कर सकता है। और इसके लिए जो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की जो टीम है पूरी तरीके से काम कर रही है। देखिए यहाँ पे टाटा सन्स की तरफ से इस टाटा टेली सर्विसेज के नाम को चेंज करके टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज यानी TTBS के नाम से चेंज किया जा चुका है एक नए अवतार के रूप में। मैंने आपको बताया होगा पहले भी। देखिए टाटा टेली सर्विसेज जो है पूरी तरीके से इसके लिए काम कर रही है और ये एक सुपर ऐप के लिए भी काम कर रहे हैं जो इनके एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करके देगा। और इसके लिए पूरी तरीके से काम चल रहा है इसके ऊपर जो कि दिसंबर महीने तक ये ऐप जो है बन करके तैयार हो सकती है। राइट। और ये टाटा ग्रुप्स के सारे प्रोडक्ट्स को एक ही यूनिट में बांध करके लेके आ सकती है। राइट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इससे कंज्यूमर्स के सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट होता हुआ हम देख पाएंगे। राइट। तो टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड को लेकर के यही सब चीज़ें हैं जिसके चलते टाटा टेली सर्विसेज प्रॉफिट बना रही जो है इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए प्रॉफिट भले नहीं हो इसका लॉस बड़ा है लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी को रिवाइव कराने के लिए जो 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 इच्छा है इसके ग्रुप प्रमोटर ग्रुप की वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल अपने आप में पोटेंशियल है वो। राइट। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट हियर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट रिगार्डिंग टाटा टेली सर्विस लिमिटेड प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।